खबर भरतपुर से। आज भरतपुर में 73वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में व्हाट्सएप ग्रुप भरतपुर बीट्स की ओर से 8वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट किया। पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने भगवान गणेश जी के सामने दीप जलाकर और माल्य अर्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर विश्वेंद्र सिंह ने सभी ब्लड डोनर एवं आयोजकों को बधाई दी और कहा कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं, जिससे कई लोगों की जिंदगी बचती है। रक्तदान शिविर में कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के लिए रक्तदान से पूर्व स्वप्नहार की व्यवस्था भी की गई। साथ ही प्रत्येक रक्त वीर को एक आकर्षक उपहार भी आयोजकों की तरफ से दिया गया। गौरतलब है कि इस रक्तदान शिविर में 350 यूनिट ब्लड एकत्रित करने का लक्ष्य है, जिसमें बीट्स परिवार के सदस्य और बाहर से आए लोग सहयोग कर रहे हैं। राजकीय ब्लड बैंक में इस समय रक्त की काफी कमी है, ऐसे में हम सभी को कर्तव्य बनता है कि रक्त की कमी को दूर किया जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। मैं आग्रह करूंगा सैनिक ग्रुप से हमारे बीच पधारे हमारे ही साथी भाई सभी डॉक्टर साहिबान आप जो रक्तदान कर रहे हैं उन सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई ज्यादा श्रद्धा का काम नहीं हो सकता। गणतंत्र दिवस के दिन सबको बधाई देना चाहता हूँ, आयोजकों को और जिन्होंने स्पॉन्सर किया।